तो दोस्तों बेसिकली ये वार सेमेट्री है क्या, 1944 4 जून को जापान की सेना ने भारत पर हमला कर दिया था, भारत के कोहिमा शहर पर, जो कि आज के वक्त में नागालैंड की राजधानी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे कोहिमा शहर कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोहिमा शहर, नागालैंड का कोहिमा शहर इतना खूबसूरत होगा यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं कल रात से सोच रहा था कि जब सुबह होगी तो वीडियो बनाऊंगा, बालकनी में खड़ा होकर देखूंगा। ये साथ में ये चर्च है यहाँ का, और ये चर्च बहुत बड़ा है, इसकी घंटियाँ दूर तक सुनाई देती है। तो हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब, स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। इस वक्त तो मैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा शहर में, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत शहर है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खूबसूरत होगा। ये देखो आप मेरे पीछे नज़ारा, ये देखो दोस्तों चारों तरफ हिल है और हिल में बसा हुआ ये कोहिमा शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। और पहाड़ों के ऊपर देखो धुंध आ रही है ना, वो इतनी प्यारी लग रही है यार, गजब की। और दोस्तों जितना खूबसूरत ये शहर है ना, उतने ही प्यारे यहाँ के लोग हैं यार, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मैं आपको लॉज दिखाता हूँ अपना, इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा 800 रुपीज़ पर नाइट का, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो पहले गेट बंद करते हैं, ये वाला बेड वगैरह, ये मैंने अपना सामान वगैरह पैक कर दिया है। और चादर ऐसी हो गया भाई, जब मैं रात को सोता हूँ ना तो बेड पर चादर मिलती नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। विंडो से व्यू देखो अब कोहिमा का, और ये बाहर का इस तरह का एरिया है कुछ। चलते हैं यहाँ से, अपना बैग वैग उठाते हैं और बाहर नाश्ता करेंगे, और फिर उसके बाद आगे की तरफ चलता हूँ, बताता हूँ आपको आगे कहाँ जाने वाला हूँ मैं। दोस्तों फाइनली यार मैं गेस्ट हाउस से निकल गया अपने, ये देखो कुछ इस तरीके का। मैं होटल से निकल कर भाई पहुँच गया हूँ कोहिमा टाउन के पास। यहाँ से पीछे वाली गली में होटल था, और ये टाउन कुछ इस तरह का है देखो आप। और वो जो गाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, वो पुलिस चौकी के सामने एक दो, वो जो रास्ता है वहाँ पर रात के टाइम पे एक मोमोज मार्केट लगती है भाई। कम से कम उसमें 20-25 दुकान होती है, और सिर्फ मोमोज मिलते हैं वहाँ पर। सारी की सारी लेडीज़ थी मार्केट में, सबके अपने अपने स्टॉल थे। तो ये बोर्ड पर आप देख सकते हो मेरे पीछे लिखा हुआ है अबम सेलिब्रेशन 150 ईयर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन नागालैंड। तो मतलब मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है कि 150 साल हुए हैं नागालैंड में क्रिश्चियन धर्म को आए हुए। देखो आप भी, मैंने पहला शहर देखा जहाँ संडे को खाने की दुकान भी बंद रहती है यार। आज संडे है तो लोग चर्च से वो आ रहे हैं प्रे करके, और भारी तादाद में पूरी पूरी फैमिली एक साथ प्रे करके आ रही है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों वर्ल्ड वार सेकंड की सेमेट्री देखने के लिए यार। बेसिकली ये उस तरह की है जैसे अपने कारगिल वॉर की है ना सेमेट्री बनी हुई है वहाँ पे, ये भी उसी तरह की है। ये कोहिमा वार सेमेट्री है, देखो कोहिमा वार सेमेट्री 1939 से 1945। और ये वही सेकंड वर्ल्ड वार था जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक हमला हुआ था। ये 1939 से 1945 तक ये वार चली थी। तो ये कोहिमा वार सेमेट्री है क्या एक्चुअल में, 1944 4 जून को जापान की सेना ने भारत पर हमला कर दिया था, भारत के कोहिमा शहर पर, जो कि आज के वक्त में नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। तो फिर उनसे लड़ने के लिए इंडियन फोर्स गई थी, हमारी इंडियन आर्मी, जो कि उस वक्त इंग्लैंड के अंडर आता था हमारा इंडिया 1944, ऑब्वियसली हमारा इंडिया 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इंडियन आर्मी गई थी जापान की सेना से लड़ने के लिए। तो इसमें मज़े की बात यह है कि दोनों साइड से ना इंडियन लोग ही लड़ रहे थे, इंग्लैंड की तरफ से भी इंडिया के लोग लड़ रहे थे और जापान की तरफ से भी इंडिया के लोग लड़ रहे थे। बेसिकली जापान की तरफ से ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी ना, उसके लोग लड़ रहे थे भाई। तो दोनों साइड से मतलब हिंदुस्तानी लोग ही लड़ रहे थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों लड़ रहे थे जापान की तरफ से, उनका रीज़न ये था कि वो इंग्लैंड से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, ठीक है, वो इसलिए लड़ रहे थे।
और इंडिया वाले इंडियन आर्मी के लोग ऑब्वियसली उनको तो लड़ना ही था भाई, क्योंकि वो इंडियन को सेफ करने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये 4 जून 1944 को स्टार्ट हुआ था और भारी भयंकर भीषण युद्ध के बाद ना जो 22 अप्रैल को ख़त्म हो गया था 1944 को, उस टाइम तक तकरीबन ये 57,000 जापानी सैनिक शहीद हुए थे। जापानी तो उसमें लिखा हुआ है, सोचो इसमें आज़ाद हिंद फौज के कितने सिपाही होंगे भाई, और इंडिया की तरफ से भी तकरीबन 22,000 के आसपास सिपाही शहीद हो गए थे भाई, इतनी भारी तादाद में नुकसान हुआ था दोनों साइड में। ठीक है, तो ये 4 जून 1944 को स्टार्ट हुआ था और ये 22 अप्रैल 1944 को इंडियन फौज ने जो उस वक्त इंग्लैंड की फ़ौज थी खदेड़ दिया था जापान की फ़ौज को, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस युद्ध में पहले ही पीछे हट गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि दोनों साइड से ना भारी तादाद में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को नुकसान हो रहा है, तो इस करके वो पहले ही इस युद्ध से पीछे हट गए थे। तो जापानी सेना फिर ढीली पड़ गई, उनको भी फिर इस वॉर में पीछे हटना पड़ा और यहाँ से इंडिया की फ़ौज ने उनको खदेड़ दिया और फिर उन्होंने अपना डेरा इम्फाल शहर में डाला, इम्फाल जो कि आज के मौजूदा वक्त में मणिपुर की राजधानी है। तो ये वॉर सेमेट्री उन लोगों की याद में बनाई गई है जो कि 1944 में शहीद हुए थे कोहिमा वॉर बैटल पे। मेरे को भी नहीं पता था यार कि एक वर्ल्ड वार सेकंड में एक युद्ध, एक बैटल कोहिमा शहर में भी लड़ी गई थी, अपने हिंदुस्तान में भी लड़ी गई थी। जब मैं यहाँ पर आया तब मेरे को पता लगा कि यार ऐसा भी कुछ यहाँ पर है, तो मैंने कहा चलते हैं यार, देखते हैं, जानते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो उसको लेकर ये सब लोगों की याद में बनाया हुआ है, उनके सब तख्तियों पर नाम लिखे हुए हैं, ये देखो आप, ये है नूरबाज, ठीक है, 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट अब्दुल जब्बार, तो ऐसे करके ये सब का है। इसमें आपको बर्मा के लोगों के नाम भी दिखेंगे, मैंने भी देखा तो आपको दिखाता हूँ मैं, रॉयल इंडियन आर्मी, ये देखो आप, मोहम्मद शरीफ द बर्मा रेजिमेंट, ये भी इंडिया की तरफ से लड़े थे, ये उन सब के हैं जो इंडिया की तरफ से लड़े थे। और यहाँ पर आपको इस साइड में और ये जो पीछे चर्च है, इस तरफ में भी काफ़ी सारे लोगों के नाम है, और नीचे की एक स्टेप और उतर के छोटा ग्राउंड है वहाँ पर भी, और उसके नीचे और उतर के एक और ग्राउंड है वहाँ पर भी, तो काफ़ी मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों के नाम लिखे हुए हैं। काफ़ी सारे देश के जो लोग थे ना वो शहीद हुए थे, उन सब के नाम लिखे हुए हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्या, हिंदुस्तान क्या, बर्मा क्या, जापान क्या, ये सब देश के लोग शहीद हुए थे। तो बेसिकली ये वार सेमेट्री इस सब को लेके आया, और यहाँ से ना कोहिमा शहर का नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है ना, आप देखो यार पूरा कोहिमा शहर यहाँ से आपको नज़र आएगा पूरा। हेलो, बाय, ये हमारा दोस्त। तो ये कुछ लोग मिले थे भाई, इन्हीं के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा था यहाँ पर, और कुछ ऐसा सा यहाँ का नज़ारा है, देखो नीचे उतर के थोड़ा, वो ऊपर से तो मैं भी आया हूँ, देखो वहाँ से, और नीचे का कुछ ऐसा व्यू है भाई, मैंने बताया था ना यहाँ से पूरा कोहिमा शहर दिखता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो वार सेमेट्री है ना, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, कोई अगर कोहिमा आए ना तो इस जगह पे ज़रूर आए एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्तंभ बना हुआ है और इसके ऊपर देखो कितनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है यार, वेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गिव अवर टुडे, मतलब लोगों से कहना जाकर कि आपके कल के लिए हमने अपना आज त्याग दिया। तो यार यहाँ पे एक चाचा खड़ा है शुगर कैंडी लेके, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। कितना है भाई? 30 भाई, पूरे मुंह पर चिपक रही है, पहले तो खाई भी जाती थी, अभी अभी बोल के खाना कैसे लेकिन यार गजब का टेस्ट है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, कैसे खाते थे, 2-2 रुपए की मिलती थी उस टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ से आगे निकलने के लिए ना यार कोई बस वगैरह का इंतज़ाम भी नहीं था, और यहाँ से कोई लिफ्ट दे ना दे कंफर्म नहीं है, तो एक टैक्सी ले लिए पेशमा के लिए,
वो 10 किलोमीटर है तकरीबन, और उसके बाद आगे का इंतज़ाम देखते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से निकलना और मुश्किल हो गया था। संडे है, कुछ है भी नहीं है करने को, ना खाने को मिल रहा कुछ भाई, सब संडे को सब बंद रहता है यहाँ पे। क्यों यहाँ में संडे में बंद रहता है पूरा, ना खाने का मिल रहा है कुछ, कुछ भी नहीं था ना मिलेगा होटल सोटल यार। मैंने क्रिश्चियन प्लेस है ना। अच्छा क्रिश्चियन, हाँ संडे को क्या सब प्रेयर करने जाते हैं चर्च। तो ये चीज़ मेरे को अभी समझ में आई, भाई कह रहे हैं क्रिश्चियन प्लेस है इसलिए सब कुछ बंद रहेगा, सब प्रे करने के लिए जाते हैं, ये अब समझ में आया भाई। तो चलते हैं आगे की तरफ। बाकी कोहिमा बहुत खूबसूरत शहर है भाई, जो मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है ना, और मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार कोहिमा ज़रूर आए भाई, बहुत ही प्यारी जगह है। तो दोस्तों मैं जस्ट अभी टैक्सी से उतरा हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ पेशमा विलेज। ये हाईवे पर ही पड़ता है, ठीक है। ये है तकरीबन कोहिमा से 12.5 किलोमीटर दूर, और यहाँ का नज़ारा देखोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा यार। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव पेशमा विलेज। चलते हैं भाई अंदर गांव की तरफ, पेशमा विलेज। इस तरीके का कुछ गांव है, और यहां का नज़ारा तो यार क्या ही कहने है। बाप रे बाप, देखो आप बहुत ही खूबसूरत है। आगे जा सकते हैं क्या? हाँ आगे जा सकते हैं। मेरा माँ, ये देखो ये दिल्ली, हाँ ये पूरा भाई नागा कल्चर को दर्शाया गया है ड्राइंग के थ्रू, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यार इन वादियों को देखने में आ रहा है, दिल करता है देखता ही रहे खड़े खड़े। नींबू का पेड़ लग रहा है भाई, देखना कितना बड़ा नींबू है यार। और घर इतने खूबसूरत है ना उस्ताद, क्या ही कहने, बहुत मज़ा आ रहा है इस गांव में। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपने को क्या क्या घूमने को मिलता, देखने को मिलता है अभी पेशमा विलेज। नागालैंड में जब से आओ ना अब तक तो सबसे बेस्ट एरिया देखने को मिलता। एंड यू मैम अगर था